हाय, सब कैसे हो? मैं बता दूं, मैं भी पूरा बहुत बढ़िया हूं। ठीक है, ज्यादा बात नहीं करेंगे हम एक दूसरे को। ऐसे क्लास में बहुत देखते हैं। हमने एंटर कर लिया है कहाँ पे? मार्जिनल कॉस्टिंग पे। ठीक ना, कहाँ पे एंटर कर लिया? मार्जिनल कॉस्टिंग पे एंटर कर लिया। अब हम कुछ मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट समझ रहे थे और हमने पीवी रेशियो का कैलकुलेशन जो है सीख लिया। जो पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है, इतना तक हमने सीख लिया। और भी कई सारे फॉर्मूलाज हैं, उसको हम डेराइव करेंगे। वो फॉर्मूला सब क्या क्या है, फॉर्मूला कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। और बता दूं, मैं जितना बोल रहा हूँ फॉर्मूला, वो कोई फॉर्मूला नहीं है। और किताब में भी जो फॉर्मूला दिया होगा, फॉर्मूला रटना नहीं। आपको समझाया जाएगा, आपको मैं अभी अभी समझाऊंगा। आज सारा फॉर्मूला का डेरिवेशन किया जाएगा। इसको आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे और जिस तरह से मैं आपको वो फॉर्मूला सब डेराइव करना सिखाऊंगा, उस तरह से आप भी सीखेंगे। हम ना फॉर्मूला रटने वाले नहीं बनेंगे, हम फॉर्मूला बनाने वाले बनेंगे। ठीक है ना? चलो आओ मेरे साथ बनाते हैं फॉर्मूला। चलो, ये रहा आपके सामने लास्ट क्लास का जो काम किए थे हम। लास्ट क्लास हम कहाँ तक खत्म किए थे? लास्ट क्लास में हमने क्या किया था वो लाओ देखो। हाँ, ये रहा। हमने क्या किया था, इसका कुछ एनालिसिस किया था 2018, 2019, 2020 में। 2018 में हम बना चुके थे, 2019 में, 2020 में बनाना चाहते थे, तो उसके लिए हमने ये सब काम किया। अब प्रॉफिट ये सारा हुआ था, कंट्रीब्यूशन हुआ था, फिर फिक्स कॉस्ट माइनस किए तो आया था क्या प्रॉफिट। फिर उसके बाद ये खत्म होने के बाद में हमने क्या किया, ये सारा चीज खत्म होने के बाद में हमने क्या किया, हमने किया ये वाला पार्ट। क्या मैंने आपको समझाया, और एक बार बता देता हूँ, मैंने आपको समझाया कि 2018-19 का पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है। पीवी रेशियो में हम देखे चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स, चेंज इन प्रॉफिट ड्यू टू चेंज इन सेल्स। बच्चे एक बात बता दूँ, सेल्स को कभी कभी क्या होता है ना, एक बात बता देता हूँ सुनो। ये जो सेल्स है ना, सेल्स को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम भी बोलते हैं। VOLUME, वॉल्यूम भी बोलते हैं इसको। कभी कभी रेवेन्यू भी बोलते हैं, ये आप सब जानते हो। इसको कभी कभी रेवेन्यू भी हम बोलते हैं। ठीक है ना? हाँ सर, ठीक है। तो इसीलिए चेंज इन प्रॉफिट ड्यू टू चेंज इन सेल्स जो है, चेंज इन प्रॉफिट ड्यू टू चेंज इन सेल्स जो है, प्रॉफिट का रेशियो ड्यू टू सेल्स, तो क्या होगा? तो चेंज इन प्रॉफिट चेंज इन सेल्स किए, इसलिए इसका नाम रहा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जो हमने इस तरह से किया। तो इसका बहुत सारा क्राइटेरिया था। 2018-19 का देखा, 2019-20 का भी देखे हम, उसको 2018 और 20 को भी कंपेयर किया हम, तो सब में बराबर आया था। ये सारा चीज हमने पढ़ लिया। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, फिर इसका फॉर्मूला हम लिखे क्या, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या लिखे हमने, पीवी रेशियो का फॉर्मूला हम लिखे चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। फिर उसके बाद हमने क्या किया, फिर कंट्रीब्यूशन को लेकर देखा। कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100 करते हैं तो भी आंसर जो है, रिजल्ट जो है वही आता है। तो हमने यहाँ देखा था, ये चीज को देखा था हमने। अगर कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100 करते हैं, 2018 का किए वही 55%, 2019 का किए वही 55%, 2020 का किए वही 55%। बट कंट्रीब्यूशन टू सेल्स करते टाइम पे हमने ये नहीं किया, चेंज इन कंट्रीब्यूशन बाय चेंज इन क्या सेल्स, ऐसा नहीं किए थे। ठीक है? अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं फटाफट से। ये सारा कहानी खत्म हुआ था पीवी रेशियो का। बच्चे यहाँ पर मैं आपको बोला था क्या, क्या बोला था मैंने आपको, यहाँ बोला कंट्रीब्यूशन का जो बात है वो होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और एक भी है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, वो भी होता है कंट्रीब्यूशन। हम देखे थे ना बच्चे, क्या देखे थे सर, क्या देखे थे, और एक बार बताओ ना। लो मैं बताता हूँ, सुनो। हम क्या देखे थे बच्चे, हम देखे थे कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो क्या था,
सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। बच्चे अब हमने क्या देखा, सेल्स माइनस ये क्या है, वेरिएबल कॉस्ट माइनस हो रहा है, फिक्स कॉस्ट माइनस हो रहा है, मतलब टोटल कॉस्ट माइनस हो रहा है। इसका मतलब टोटल कॉस्ट में क्या क्या आता है बच्चे, वेरिएबल कॉस्ट भी आता है और फिक्स कॉस्ट भी आता है, ये दोनों का मिलावट टोटल कॉस्ट होता है। तो अब हमने वेरिएबल कॉस्ट भी माइनस करेंगे, फिक्स कॉस्ट भी माइनस कर लिए, तो आया क्या बच्चे, प्रॉफिट आया, ठीक ना। हाँ सर ठीक है। बच्चे अगर मैं बोलता हूँ सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, हमेशा थोड़ी प्रॉफिट आएगा, तो कभी कभी क्या आता है बच्चे, लॉस भी आता है, कभी कभी क्या आता है, लॉस भी आता है। तो अब देखो हम जानते हैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, कंट्रीब्यूशन होता है, क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। फिर मैंने आपको बोला क्या बोला, इसका और एक भी तरीका था, हम यहाँ पर क्या देखें, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। अच्छा ऐसा करते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू इसी यही इक्वेशन को मैं यहाँ से दोबारा से लिखता हूँ, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस ये फिक्स कॉस्ट उस तरफ चला गया तो क्या होगा, फिक्स कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट हुआ ना। तो हम जानते हैं क्या, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट जो है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो क्या आता है, कंट्रीब्यूशन आता है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या हो गया, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, ये भी होता है। हाँ सर ये भी होता है, मेरे साथ साथ आप लिखते रहिएगा, मेरे साथ साथ आप लिखते रहिए, और जब रिवाइज करने को होगा मैं बोलूँगा, फिर से रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट भी होता है। सर सर मैंने बोला जी जी सर, अगर ये प्रॉफिट के जगह अगर लॉस हुआ तो क्या होगा सर, क्या होगा बच्चे, प्रॉफिट की जगह अगर लॉस हुआ तो क्या होगा, सिंपल सा बात है, तो लॉस जो है क्या होगा, माइनस होगा। देखो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट ना, लॉस जो है वो माइनस में आता है, नेगेटिव फिगर होता है, प्रॉफिट जो है प्लस में आता है, तो क्या होगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन होता है। फिर कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू हम जानते हैं प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, या नहीं तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं अपन लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं क्या ना, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये भी तो लिख सकते हैं ना। अरे प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट में नहीं लिख कर, तो हम तो ये भी लिख सकते हैं फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। हाँ सर चलेगा। मैं आपको बोलता हूँ अगर बच्चे ये प्रॉफिट की जगह लॉस होता तो क्या करते, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू क्या होता, फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस, फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस, समझ में आई बात, फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस, बिकॉज लॉस जो है नेगेटिव फिगर में रहता है, नहीं तो इस तरह से लिखते आप, माइनस लॉस प्लस फिक्स कॉस्ट तब भी चलता, इसलिए मैं यहां पर माइनस दे रहा हूं, ये जो है नेगेटिव में फिगर आएगा, अमाउंट जो आएगा ये नेगेटिव में आएगा। मैं बता देता हूं देखो कैसे, मान लीजिए बच्चे सेल्स हुआ कितना 100 रुपया, टोटल कॉस्ट हुआ बच्चे कितना 110 रुपया, बच्चे प्रॉफिट कितना होगा, सर क्या बात बोल रहे हो सर, सेल आपके 100 रुपया पे जिसका कॉस्ट था 110 रुपया, सर ये 10 रुपया ना, ये 10 रुपीज जो है ना ये लॉस आया बच्चे, तो क्या करोगे, इसको माइनस में तो लिखोगे ना, क्या लिखना है, माइनस में लिखना है प्रॉफिट माइनस 10, बात समझ भाई, प्रॉफिट क्या होगा ये माइनस 10। अगर सिर्फ ओनली 10 लिखेंगे तो हम क्या नाम देंगे इसका, लॉस नाम देंगे, समझ भाई, इसलिए हमने क्या किया, फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस का अमाउंट, लॉस 10 रुपया आया था इसलिए हमने यहाँ पे माइनस दिया, बात समझ में आई, ये 10 रुपया आया था ना, 10 रुपये क्या है, लॉस है, तो इसलिए हमने माइनस देकर लॉस का अमाउंट, तो माइनस 10 हो जाएगा, समझ में आई बात, ये होता है। इसका मतलब फिर से मैं दोबारा से रिवाइज करता हूँ, बार बार हम रिवाइज करते रहेंगे, यही तो फॉर्मूला बनाने वाले का बेसिक काम होता है, बार बार लिखना है। तो हम क्या देखे बच्चे, पीवी रेशियो फिर से लिखो दोबारा से, जल्दी लिखो, पीवी रेशियो मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या हुआ बच्चे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बाय सेल्स इनटू 100। हाँ
सर ये फिर क्या होगा, ये तो कहीं बताया नहीं। मैंने बोला बच्चे आप पागल हो, मैं बताया नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। लो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा पता है आपको? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स इंटू 100। हाँ सर ये तो बताए थे। अरे कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स इंटू 100 बताया था आपको, सेल्स माइनस वेरिएबल कंट्रीब्यूशन नहीं होता है क्या? हाँ सर बात तो ठीक है। मैंने बोला हाँ बात सब ठीक ही होता है, बाद में समझ में आता है। उसके बाद अब कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स इंटू 100 तो ये भी होता है। अच्छा अब देखो क्या होता है। मैंने बोला फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाई सेल्स इंटू 100 तब भी सही है पीवी रेशियो का, ठीक है। अभी अभी बताया फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जो होता है वो कंट्रीब्यूशन होता है, अभी अभी बताया। कहाँ सर बताए? देखो बताया कहाँ पे, बता देता हूँ क्या होता है। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, यहीं पर बताया अभी मैंने, ठीक है। यही देखो फिर से लिया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, ये बताया, ठीक है ना? हाँ सर ठीक है। चलो अब लो फिर से, उसके बाद अभी अभी मैंने बोला अगर लॉस हुआ तो क्या करोगे, अगर लॉस हुआ तो क्या करोगे, तो मैंने बोला आपको फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, ठीक है। ये रहा बात सब, ये था आपका पीवी रेशियो का बात। और उसके बाद बात मैंने आपको बताया और एक तरीका, क्या चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, सर इसका आप ऐसा ही किए थे ना, 2 साल का प्रॉफिट देता था, 2019 का और 2020 का प्रॉफिट देता था। मान लो इसका प्रॉफिट हुआ 10 रुपया, इसका प्रॉफिट हुआ 20 रुपया, और इसका यह प्रॉफिट यह सेल्स, इसका सेल हुआ 100 रुपया, इसका सेल हुआ बच्चे मान लो 200 रुपया, ठीक है। तो हम क्या करते थे, चेंज इन प्रॉफिट कितना है बच्चे 10, चेंज इन सेल्स कितना है बच्चे 100 × 100 कितना होगा 10%, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपने किया। सर मैंने बोला जी सर मान लीजिए यहाँ पे 10 रुपया प्रॉफिट नहीं था, 10 रुपया लॉस था। ओ माय गॉड, सर मान लीजिए यहाँ पे 10 रुपया प्रॉफिट नहीं, 10 रुपया लॉस था, तो सर जो चेंज इन प्रॉफिट है ना, ये जो चेंज इन प्रॉफिट है ये फिर कैसे कैलकुलेट होगा? चेंज इन सेल तो सर हमको पता है 100 ही होगा, 100 और 200 के बीच में डिफरेंस कितना है 100, तो चेंज इन प्रॉफिट यहाँ पर सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? बच्चे अब क्या करते हो, मैं जब चेंज इन प्रॉफिट बोलता हूँ तो क्या करते हो, ये प्रॉफिट 20 रुपया माइनस यहाँ पर जो प्रॉफिट था 10 रुपया इज इक्वल टू 10 रुपया, यही किए थे आप ये वाला? हाँ सर यही किए थे। अब देखो वही काम ही आपको करना है, 20 कहाँ का 2020 का प्रॉफिट माइनस, फिर ये रहा माइनस 10, ठीक है। तो क्या करना है, माइनस माइनस प्लस, 20 + 10 कितना हो गया 30। तो सर सर मैंने बोला जी जी सर इसका मतलब अगर 1 साल लॉस दिया 1 साल प्रॉफिट दिया तो वहां पे दोनों को मिला देंगे, तो ये रटना मना है, ये मत करो, हम मिला देंगे सर, यही याद रखेंगे क्या? याद क्या रखना, चेंज इन प्रॉफिट बोला था ना, तो 20 माइनस फिर माइनस 10, तो ये भी तो चेंज होता है ना, तो 30। अगर हाँ मिला देते हो तो सही होगा, लेकिन मेरे हिसाब से मैं रटना सिखाता नहीं, कहाँ पे मिलाना है, कहाँ पे घटाना है, कहाँ पे क्या करना है, ये सब काम मैंने सिखाने वाला नहीं है, ठीक है ना? हाँ सर ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया, अगर लॉस गया तो क्या होगा। चलो आगे चलते हैं, हम ये पी वी रेशियो को छोड़कर हम आगे बढ़े जी। हाँ सर आगे बढ़िए, ठीक आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाओ एक नया कॉन्सेप्ट पे आते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चे। मैं आपको एक साधारण एक सरल सवाल पूछता हूँ, है क्या? मान लीजिए बच्चे क्या पूछा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, क्या आएगा बच्चे बोलो जल्दी से, क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा या नहीं तो लॉस आएगा। मैंने बोला इसे जीरो, कुछ आया ही नहीं, कुछ आया नहीं, तो सर इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि
टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। मैंने बोला हाँ बच्चे इसका मतलब यही हुआ, ठीक है, टोटल सेल्स इज इक्वल्स टोटल कॉस्ट। तो इसे क्या बोलते हैं बच्चे, इसे क्या बोलते हैं? आपने कहीं पर पढ़ा था जब टोटल सेल्स इज इक्वल्स टोटल कॉस्ट होता है तो उसे बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, जिसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं बच्चे? ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं ना। हाँ सर यही बोलते हैं। अब सुनो, तो अब ये किस सिचुएशन में है? हम ब्रेक इवन पॉइंट का सिचुएशन में है। कहाँ पे हैं हम? ब्रेक इवन पॉइंट का सिचुएशन पे हैं, जहाँ पे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, इसका मतलब सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट तो क्या होता है? जीरो जब होता है तो इसे बोलते हैं क्या? ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बोलते हैं इसे? ब्रेक इवन पॉइंट। अब सुनो, मैं अगर इस तरह से किया, ये सेल्स कौन सा सेल्स बच्चे? ये होता है ब्रेक इवन सेल्स। क्या वो सेल्स होता है? ब्रेक इवन सेल्स। कौन सा सेल्स? ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल्स टू क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट होगा ना। ये सेल्स, ये एक ऐसा सेल्स है जिस पे प्रॉफिट नहीं हुआ है। ये जो सेल्स है वो एक ऐसा सेल्स है जहां पे ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस ही हुआ है, कुछ भी नहीं, जीरो। तो इस सेल्स को क्या बोलेंगे? ब्रेक इवन सेल्स बोलेंगे। तो सेल्स इज इक्वल, ये दोनों को मैं उस तरफ लेकर चला गया, इक्वल टू के उस तरफ लेकर चला गया, तो क्या हुआ? राइट साइड ले लिया, प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट हुआ है। हाँ सर हुआ है। अब सुनो, उसके बाद सुनो बच्चे, अब मैं इसको थोड़ा डिफाइन करता हूं। अब सुनो, मान लीजिए ये जो काम किए थे हम पहले, कल का जो काम किए थे, ये जो सेल्स आया, टोटल सेल्स आया, कितना आया है बच्चे? कितना आया है? 20,000 आया था टोटल सेल्स, आया था ना। तो 1,000 यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, जो सेल्स को हम यूनिट्स में लिखे हैं उसी यूनिट को सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया? 20,000 आया। जितना हम यूनिट्स को सेल किए उसी यूनिट्स को वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना? 9 है, 5 × 3 = 8 = 9 है ना, 9 रुपीज है क्या टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये 1000 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा 9000, या ये 1000 को 5 से और 3 से और 1 से मल्टीप्लाई करके टोटल भी कर दो, ये आएगा कितना? 9000। इसका मतलब ये 1000 जो है सेल्स का यूनिट्स को हम सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यूनिट्स सब में बराबर है, जितना यूनिट हम सेल कर रहे हैं उतना यूनिट को सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसी यूनिट्स के क्या, उसी यूनिट से हम क्या कर रहे हैं? वेरिएबल कॉस्ट को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आ रहा है क्या? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मतलब यूनिट्स सेल्स में भी सेम है और कॉस्ट में भी क्या है? सेम है। यहां भी वही बात है, 2000 को हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, और उसके बाद क्या कर रहे हैं? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो भी आ रहा है क्या? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बात समझ में आई? मेरा बोलने का मतलब ये है, हम यूनिट्स को सेम मानते हैं, ये जो सेल्स यूनिट्स हुआ है वही सेल्स यूनिट्स कॉस्ट पे भी मल्टीप्लाई हुआ है, बट डिफरेंस ये है, ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई हुआ है, तब जाकर ये दोनों अलग अलग फिगर आया है, 40,000 और 18,000। ठीक यही काम हम यहां भी करने वाले हैं। देखिए क्या कर रहा हूं मैं, देखिए क्या कर रहे हैं, ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हाँ सर ठीक है। तो ब्रेक इवन सेल्स ये टोटल रुपीज में है, ये टोटल रुपीज में है, याद रखिएगा, ये अमाउंट में है, टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इन अमाउंट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इन अमाउंट्स, इस पे है, ठीक है। हाँ सर ठीक है। अब सुनो, यूनिट्स कौन से यूनिट्स? कौन से यूनिट्स? जितने यूनिट्स हम सेल करेंगे वो यूनिट्स जहां पे ना कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस है, इनटू मतलब ब्रेक इवन यूनिट्स, ठीक है, ब्रेक इवन यूनिट्स
ब्रेक इवन यूनिट्स, वो यूनिट जहां पे ना कॉस्ट ना प्रॉफिट है ना लॉस है, इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ठीक है, याद है ब्रेक इवन सेल्स अमाउंट में इज इक्वल्स टू वही यूनिट जिसको हम सेल कर रहे हैं, ब्रेक इवन यूनिट्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, चलेगा वही अभी समझाया ना, जितना यूनिट हम सेल कर रहे हैं, लेकिन हाँ डिफरेंस ये है ये नॉर्मल सेल है क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट है, इसलिए ये नॉर्मल सेल्स है, इसलिए कि ये प्रॉफिट है, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, मैं अगर इसको ब्रेक इवन सेल्स मानूंगा तो प्रॉफिट इसको नहीं मानूंगा, तो यहाँ पे मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ ये ब्रेक इवन का है, जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस, इसलिए मैं लिख रहा हूँ खाली सेल्स यूनिट नहीं लिख रहा, ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स लिख रहा, इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, फिर वही यूनिट्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जो यूनिट को मैं सेल करूंगा, बट यहाँ पर कौन सा यूनिट, ब्रेक इवन यूनिट्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है ना। चलो सर ठीक है, तो हम क्या करते हैं इधर ले आते हैं ब्रेक इवन यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ये वाला को हम लेफ्ट साइड पर ले आते हैं माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है आ गया समझ में, आ गया हाँ सर आ गया। तो हम कॉमन ले जाते हैं ये चीज को, ब्रेक इवन यूनिट्स को कॉमन ले जाते हैं, ब्रेक इवन यूनिट्स कॉमन ले गए तो रहा क्या, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू क्या हुआ बच्चे, फिक्स्ड कॉस्ट। अब आते हैं ब्रेक इवन यूनिट्स, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हुआ ना इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू, सर सर मैंने बोला जी जी सर पर यूनिट्स में माइनस करेंगे तो तब भी आएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जी हाँ कल का ही देख लीजिए, कल जो काम किए थे, ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है 20 है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है 9 है, ये दोनों को माइनस करो 20 माइनस 9 तो क्या आया था बच्चे, कंट्रीब्यूशन आया था, कंट्रीब्यूशन कितना क्या पर यूनिट आएगा, कितना आएगा वो 11 रुपया आएगा, कितना आएगा 11 रुपया, सर सर ये जो 11 रुपया आएगा हम ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को ये टोटल सेल्स इन यूनिट्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा टोटल कंट्रीब्यूशन, जी हाँ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 11 रुपया और सेल्स किए थे कितना 1000, तो कितना आया 1000 इंटू 11 कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना 11000, यहाँ पर देखो 2000 इंटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 11 रुपया गुना 2000 तो कितना आता है 22000 रुपया, 11 इंटू 2000 कितना है 22000, यहाँ देखो 5000 इंटू 11 कितना है 55000, समझ में आई, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को अगर हम नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन ही आएगा, समझ में आई बात, और ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट से अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ही आएगा, समझ में आई बात, हाँ सर समझ में आई। लो तो हमने क्या किया, सेलिंग प्राइस पर यूनिट को माइनस किया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से तो आया क्या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया, तो अब क्या रहा बच्चे ब्रेक इवन यूनिट्स, ब्रेक इवन यूनिट्स ठीक है ना, क्या आया ब्रेक इवन यूनिट्स इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिर से मैं बच्चे आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, वो बात क्या है, ये जो ब्रेक इवन यूनिट्स है कौन सा ब्रेक इवन यूनिट्स, जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस, समझ में आई, ये होता है ब्रेक इवन यूनिट्स, ठीक है, इसको इस ब्रेक इवन यूनिट्स को, ब्रेक इवन यूनिट्स को, ब्रेक इवन यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन सेल्स भी बोलते हैं, ब्रेक इवन सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब सुनो, ये ब्रेक इवन इन यूनिट्स अगर कैलकुलेट करना हो तो ये फॉर्मूला रहा फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर बच्चे अगर ब्रेक इवन यूनिट्स अगर बच्चे मैं एक बात बोलता हूँ सुनो सर बात क्या है, अगर ब्रेक इवन
रुपीज में पूछा, ब्रेकवेन इन यूनिट्स में नहीं पूछकर, यूनिट्स में नहीं पूछकर ब्रेकवेन इन रुपीज में पूछा, मतलब ब्रेक एवन सेल इन रुपीज में पूछा तो क्या होगा? ये ब्रेक एवन सेल्स इन यूनिट्स में पूछा तो ये होगा ना, अभी अभी काम किए, लेकिन ब्रेक एवन सेल्स अमाउंट में अगर पूछा तो क्या होगा? अमाउंट में अगर पूछा तो क्या होगा सर? अमाउंट में अगर पूछा तो क्या होगा? मैंने बोला बच्चे सुनो, अगर इसी यूनिट में अगर हम सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अमाउंट में आ जाएगा, यहाँ का ये आ जाएगा, देखते नहीं, ब्रेक इवन यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे? अमाउंट में आ जाएगा। तो हाँ सर, बहुत तो आसान है। नहीं, आप जितना आसान सोच रहे हो उतना आसान तो नहीं है। अच्छा सर, ऐसा कैसे? देखो बच्चे बताता हूँ, हमने देखा ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स, ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स क्या आया बच्चे? ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स क्या आया? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन आया, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन आया, ठीक है ना? हाँ सर ठीक है। अब हमने क्या करनी है, ब्रेक इवन सेल्स रुपीज के लिए हम क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा क्या, क्या आ जाएगा? ब्रेक इवन सेल्स रुपीज में आ जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर। लेकिन बच्चे यहाँ पर जो फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, इसका क्या करेंगे? इसको ऐसा खाली छोड़ देंगे? बच्चे हमने बचपन में सीखा है 2 × 2 = 4, अगर 2 × 2 × 3 किए तो क्या वही इक्वल्स 4 रहेगा? नहीं सर, तो यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 × 2 = 4 × 3 कितना होता है? 12, तो अब ये जाकर सही होगा 12। तो अब हम यहाँ पर सेलिंग प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई करके इसको खाली छोड़ दें? नहीं सर, बिल्कुल तो नहीं, मन तो नहीं बोल रहा है। तो हम क्या करें, यहाँ पर मन की बात हम दिमाग में लाएं और यहाँ पर लिखें सेलिंग प्राइस पर यूनिट, यहाँ भी मल्टीप्लाई करें। कर लिया हमने, तो क्या हुआ, ब्रेक इवन सेल्स रुपीस का फॉर्मूला क्या हुआ? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सर ये हुआ, हाँ ये हुआ, लेकिन यहाँ से और भी कुछ दूर जाना है। सर क्या कहाँ जाना है? देखिए चलो नेक्स्ट पेज को आओ, फिर बताता हूँ मैं, नेक्स्ट पेज को आओ फिर मैं बताता हूँ, ठीक है? हाँ सर बताइए, देखिए क्या है, बताता हूँ। हमने क्या किया, ब्रेक इवन सेल्स, हमने क्या किया, ब्रेक इवन सेल्स रुपीस के लिए हमने लिखा क्या, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ठीक ना? हाँ सर ठीक। बच्चे मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, छोटा सा सवाल, आप जवाब देना। 2 / 3/2 में अगर लिखा, 2 / 3/2 लिखा इज इक्वल्स टू 2 × 2 × 2 × 2 / 3 लिख सकता हूँ, 2 × अगर मल्टीप्लाई करना है, ये 2/3 लिखूंगा ना? हाँ सर यही तो होगा, बचपन में ही करके आए थे। फिर बच्चे क्या मैं इस चीज को इस तरह से लिख सकता हूँ? क्या सर हमको घुमा रहे हैं आप, बचपन की बातें बहुत याद दिलाते हो हमको? हाँ बच्चे उसी में तो मजा है। क्या बच्चे मैं इस चीज को इस तरह से फिर से लिख सकता हूँ? 2 अगर इस चीज को मैं डिवाइड करना चाहता हूँ तो इस तरह से करूँगा 3/2, होगा या नहीं होगा? हाँ सर होगा। अब देखो जब 2 × 2/3 होकर था, जब मैं इसको डिवाइड किया तो क्या कर दिया, जो यहाँ था उसको लिखा पहले फिर 2 को लिखा बाद में, यही किया ना? अब देखो मैं इसको भी यहाँ पर इसी तरह लिखने वाला हूँ। अब देखो फिक्स कॉस्ट इंटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चलेगा? मैं सिर्फ क्या किया ना, इसको ना ये इस चीज को ना ये इंटू का इंटू ना मैं फिर यहाँ लिखा, सिर्फ इसको ला के यहाँ पे लिखा, देखो वही किया, चलेगा? हाँ सर चलेगा। अब तो कुछ नहीं किया, ये जो था वही लिखे, हाँ जी वही लिखा मैं।
अब देखो बच्चे मैं इस तरह से लिखना चाहता हूँ, फिक्स कॉस्ट होल डिवाइडेड बाई, मैं इसी को फिक्स कॉस्ट से डिवाइड करना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा बच्चे, मैं लिखूँगा क्या, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ठीक ना। हाँ सर ठीक है। तो अब देखो बच्चे क्या करना है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, इसका भी एक फॉर्मूला है याद करो, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स क्या था, जल्दी से याद करो, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स क्या था, मैं याद दिलाऊं? हाँ सर याद दिलाइए, देखो मैं याद दिलाता हूँ, यहाँ पर था एक जगह कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100 क्या था, जल्दी से बोलो, पीवी रेशियो। सर ये तो कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स पीवी रेशियो है, सर ये तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कहाँ गया, ये तो सर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, क्या तब भी पीवी रेशियो आएगा, मैंने बोला हाँ जी तब भी पीवी रेशियो आएगा। सर कैसे कैसे, देखो बच्चे मैं बताता हूँ कैसे कैसे, अब यहाँ का जवाब लो मेरा बच्चे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यहाँ पे कितना है, 11 रुपया। सर कैसे, टोटल सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 20 माइनस 9 कितना, 11 आया, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना बच्चे, 11 डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना, 20 इंटू 100, ये देखना ना 55% ही आएगा, कितना आएगा, 55% ही आएगा, पक्का आएगा। तो हम जितना भी सब किए थे इसको ये सारा सिचुएशन को लेकर पीवी रेशियो कैलकुलेट किए थे, 55% तो आया था ना, आया था या नहीं आया था, हाँ सर आया था, लो मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, 11/20 × 100 कितना आया, 55 दिखाई देता है सबको, लो नहीं दिखाई देता, पास से देखो अच्छा से देखो, हाँ अब दिखा, हाँ दिखा, चलो ओके। तो इसका मतलब मैं ये बोलना चाहा आपको, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट आया तो तब भी क्या आएगा बच्चे, क्या आएगा, पीवी रेशियो ही आएगा। ओहो तो इसका मतलब जब ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीस कैलकुलेट करना हो, हम कहाँ फॉर्मूला में आए, इस पे आए, तो क्या रहा, ब्रेक इवन सेल्स अगर रुपीस में कैलकुलेट करना है तो क्या था, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। सर सर मैंने बोला जी जी सर, यहाँ भी आप किए ना, ब्रेक इवन सेल्स रुपीज में कैलकुलेट करना हो तो फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। हाँ ये क्या, यहाँ से तो सारा चीज हुआ है, ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट फिर बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मैंने कर दिया, देखो उसी से ही तो गया हो ना, अलग कहीं से थोड़ी, अलग ये कोई अलग फॉर्मूला कोई थोड़ी आया है, नहीं आया है, फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, आप लिखते हो तो लिखते रहिए तभी आपको समझ में आएगा, आगे चलते रहिए समझ में आता रहेगा, ठीक है ना। हाँ सर ठीक है। तो ये क्या हुआ, तो फिर इसको सिंपलीफाई किया थोड़ा, फिर उसके बाद मैंने ये बताया, इसको एग्जांपल में मैंने आपको समझाया ऐसा करते हो आप, तो आपने क्या किया, इसको भी अपने मन में संभाला। तो फिर उसके बाद फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो आए, ये रहा लास्ट फॉर्मूला किसका, ब्रेक इवन सेल्स अगर रुपीस में हो तो। मैं आपको क्या करता हूँ अब बताता हूँ, सुनो हमने क्या किया, ब्रेक इवन सेल्स अगर यूनिट्स में हुआ तो क्या होगा, ब्रेक इवन सेल्स अगर रुपीस में कैलकुलेट करना हो तो क्या होगा, हमने क्या देखा, फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यहां पर हमने क्या देखा, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, ठीक है। उसके बाद बाकी तो बहुत सारा चीज है जी, बाकी तो बहुत सारा, ये दोनों के अंदर ये दोनों डेराइव हुआ है, डेराइव करके हमने ये फाइंड आउट किया, समझ में आई, कोई फॉर्मूला थोड़ी मैं फेंक रहा हूँ, नहीं फेंक रहा, ठीक है जी। हाँ अब पूछा जाएगा तो इसका तो ऐसा भी हो सकता है जी, फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे बच्चे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ऐसा भी हो सकता है, इसका क्या होगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स होता है। तो अब इसका देखा जाए तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स, ये भी होता है, समझ में आई बात, हाँ सर समझ में आई, ठीक है। ये था आपका समरी, अब आते हैं थोड़ा अलग जगह, सर कहाँ आते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, ये था ब्रेक इवन सेल्स का बात, यूनिट्स में दिया तो कैसे कैलकुलेट करना है, रुपीज में दिया तो कैसे कैलकुलेट करना है,
चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आते हैं, वह है क्या बताता हूँ, सुनो बच्चे। ये मान लीजिए एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, और थोड़ा बड़ा करो, हाँ दिखाई देता है, हाँ दिखाई देता है, हाँ दिखाई देता है, ठीक है। चलो ये है मान लो टोटल सेल्स का लाइन, क्या है मैं देखो लिखा, ये क्या है टोटल सेल्स, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है क्या टोटल सेल्स है। फिर उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये क्या है बच्चे, मान लो ब्रेक इवन सेल है, क्या है ब्रेक इवन सेल्स है, ठीक है। हाँ सर, मतलब इतना अगर हम सेल्स करते हैं ना हमारा प्रॉफिट होगा ना हमारा लॉस होगा, कुछ भी नहीं होगा, प्रॉफिट भी नहीं होगा लॉस भी नहीं होगा। अच्छा उसके बाद में ये हो गया टोटल सेल्स, अब ये क्या है बच्चे यहां से लेकर यहां तक, ये यहां से लेकर यहां तक जो है इसे क्या बोलेंगे, इसे बोला जाएगा एक्स्ट्रा सेल, क्या बोलेंगे एक्स्ट्रा सेल, लिख दूं, हाँ एक्स्ट्रा सेल्स, ठीक है, ये होता है क्या एक्स्ट्रा सेल्स, हुआ, हाँ सर हुआ। अब सुनो ये जो एक्स्ट्रा सेल्स है ये क्या है, ये क्या है, मान लीजिए टोटल सेल्स हो गया कितना, टोटल सेल्स हो गया कितना 100, ब्रेक इवन सेल्स हो गया कितना 60, और एक्स्ट्रा सेल्स कितना हो गया बच्चे 40। तो इसका मतलब टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू ब्रेक इवन सेल्स प्लस एक्स्ट्रा सेल्स। अब ये एक्स्ट्रा सेल्स है क्या, मतलब ये रुपीज में भी हो सकता है और यूनिट्स में भी हो सकता है, अगर हम 100 यूनिट्स हमने सेल किया उसमें से ब्रेक इवन सेल्स कितना 60 यूनिट्स है, 60 है, और एक्स्ट्रा सेल्स यूनिट्स कितना है 40 है, ये अमाउंट में भी हो सकता है। मतलब अगर हम यूनिट्स में देखें, ये 100 यूनिट्स अगर हम सेल किए तो ब्रेक इवन सेल्स एक ऐसा सेल्स यूनिट्स हमने बनाया और सेल किया जहां पे ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। अब जब ये 40 यूनिट हम बेचेंगे तो क्या होगा, हमारा कुछ प्रॉफिट होगा। बच्चे आप एक बात मन में ये लीजिए, जगह बनाइए इस चीज के लिए, ये एक्स्ट्रा सेल्स है ये प्रॉफिट नहीं है, ये सेल्स है, ये क्या है ये सेल्स है। ये 40 यूनिट में भी बच्चे क्या है कॉस्ट है, ये 40 यूनिट में भी प्रॉफिट है, तब जाकर ये एक्स्ट्रा सेल आया है। ये 40 यूनिट के लिए बनाना में एक्स्ट्रा कॉस्ट तो लगा होगा, ये 40 यूनिट के लिए और प्रॉफिट भी हुआ है, समझ में आई बात। लेकिन ये जो 60 यूनिट है ना बच्चे, 60 यूनिट के लिए जितना सारा खाली कॉस्ट है, यहाँ पर प्रॉफिट नहीं है या लॉस भी नहीं है, समझ में आई बात। लेकिन ये 40 यूनिट में कॉस्ट भी है, एक्स्ट्रा कॉस्ट भी है और प्रॉफिट भी है, बात समझ में आई। ये बात दिमाग से निकाल दीजिए, ये 40 जो है प्रॉफिट है नहीं, प्रॉफिट नहीं है, एक्स्ट्रा सेल को आप प्रॉफिट नहीं बोल सकते, बिकॉज हम अगर पहले 60 यूनिट बेच रहे थे, मान लो प्रॉफिट नहीं होता था और लॉस भी नहीं होता था, अगर हम 40 यूनिट एक्स्ट्रा बेचते हैं तो हमारा प्रॉफिट होता है, हमारा क्या होता है प्रॉफिट होता है। बच्चे ये 40 यूनिट एक्स्ट्रा बेचने के लिए बनाना भी तो पड़ा होगा ना, प्रोडक्शन भी तो करना पड़ा होगा ना, हाँ या ना, प्रोडक्शन करना पड़ा होगा और प्रोडक्शन के लिए तो कॉस्ट भी लगा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये 40 सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, इस पे कॉस्ट भी है और प्रॉफिट भी है। तो इसे बोलते हैं, ये जो एक्स्ट्रा सेल है ना, ये जो एक्स्ट्रा सेल है इसे बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्या बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी, समझ भाई क्या बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं, ठीक है, तो अब आते हैं कहां मार्जिन ऑफ सेफ्टी में। सब मैंने बता दिया आपको, मैंने बोला टोटल सेल्स इज इक्वल टू ब्रेक इवन सेल्स प्लस जो एक्स्ट्रा सेल का नाम क्या है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। चलो अब सुनो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ब्रेक इवन सेल्स प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्लस एक्स्ट्रा सेल करते थे उसका नाम मैंने दिया क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो अब देखो अगर हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या होगा बच्चे, टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, क्या होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या होगा टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, समझ में आई बात।
हाँ सर समझ में आई। अब उसके बाद सुनो क्या होता है। क्या होता है सर, अब मैंने बोला मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है यूनिट्स में भी हो सकता है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है रुपीस में भी हो सकता है। एक्स्ट्रा सेल में रुपीस में ही बोला था और यूनिट्स में ही बोला था। चलो पहले हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में कैलकुलेट करते हैं क्या होगा। टोटल सेल्स इन यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स, ठीक ना। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में कैलकुलेट करना है टोटल सेल्स इन यूनिट्स ये माइनस ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स, तो अब देखो बच्चे टोटल सेल्स इन यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या था अभी मैंने डेराइव करके आया, तो क्या था बच्चे बोलो, फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। देख भी लो, आप देख भी लो क्या लिखे थे हम, यही तो लिखे थे। हाँ सर यही लिखे थे। तो क्या होगा बच्चे, टोटल सेल्स इन यूनिट्स इनटू, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस फिक्स कॉस्ट, ये जो माइनस था माइनस मैंने दिया, ये फिक्स कॉस्ट को लिखा, टोटल डिवाइडेड बाय क्या होगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्या होगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सर सर ऐसा कैसे हो गया सर, क्या ये इस पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। बच्चे मैं आपको एक बात पूछता हूँ बताना, मैंने लिखा 2 - 5/3, क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता 2 × 3 कितना हो गया 6 - 5/3, ऐसा नहीं कर सकता, कर सकता हूँ ना, तो यहाँ पे क्यों नहीं कर सकता। हाँ सर कर सकते हो। अब सुनो बच्चे, टोटल सेल्स इन यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होता है बोलो तो मैं सुनता हूँ, थोड़ा जल्दी सोचो और बोलो बोलो, मैं बंद कर दिया। देखो टोटल सेल्स इन यूनिट्स, टोटल सेल्स इन यूनिट्स, सेल्स इन यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 11 रुपया जो लिखा, क्या हो गया टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल सेल्स इन यूनिट्स 2000 इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 11, तो क्या होगा 22000, तो क्या आएगा टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा, मतलब सेल्स इन यूनिट्स, टोटल सेल्स इन यूनिट्स या सेल्स इन यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो क्या आएगा टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं आएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा माइनस फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या होगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। समझ में आई बात? हाँ सर समझ में आई। देखो उसके बाद क्या होता है, नीचे नीचे आप लिखते जाओ बच्चे, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, देखो बच्चे यहाँ पे क्या आया था, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट क्या आया प्रॉफिट आया था, हाँ सर प्रॉफिट आया था, तो क्या हुआ बच्चे प्रॉफिट बाय क्या होगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है ना। हाँ सर ठीक है। ये रहा आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अगर यूनिट्स में पूछा तो ये रहा आपका फॉर्मूला। बच्चे सिर्फ आप इसको याद मत रखिएगा, याद करना शुरू किए तो मैं आपके साथ, मैं आपको किस तरह का एक्सप्रेशन दूंगा बता देता हूँ। ये रहा, ये रहा इस तरह का, देखे मैंने आपको समझा रहा इतना मुश्किल से, आप फिर अल्टीमेटली इसी पे आ जाएंगे। नहीं आपको तो ये भी याद रखना होगा, ये भी ऐसा थोड़ी है एग्जाम में प्रॉफिट दे दिया होगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दे दिया होगा, पूछेगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स में बताओ, नहीं बच्चे वो ऐसा दिया होगा कंट्रीब्यूशन दिया होगा, फिक्स कॉस्ट दिया होगा और सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया होगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया रहेगा, तब जाकर याद है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, तो प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होकर सॉल्व होगा। ये मैं डेराइव कर रहा हूँ, आप सीख लो, फिर उसके बाद फिर से मैं आपको बोलूँगा दो बार इसको प्रैक्टिस करने के लिए, समझने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा, इसको पहले समझो फिर आप खुद ये सब डेराइव करो, फिर आएंगे क्वेश्चन आंसर में, वहाँ क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने पर हो जाएगा, ये सारा चीज़ यूज होगा। आप देखना क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर्स अगर प्रैक्टिस करेंगे ना सब हमसे हो जाएगा, लेकिन ये सब चीज़ प्रैक्टिस करना होगा पहले आपको, ठीक है। हाँ सर ठीक है, चलो आगे चले। हाँ सर आगे चलो, ये था मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अगर यूनिट्स में पूछा तो ये होगा, ठीक है। हाँ ये देखे तो रटना नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं आप, कहाँ
अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीस में पूछा तो क्या होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर रुपीस में पूछा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीस में पूछा बच्चे, वही देखो क्या होगा, टोटल सेल्स रुपीस में माइनस ब्रेक इवन सेल्स वो भी रुपीस में, ठीक है। अब देखो बच्चे, टोटल सेल्स रुपीस में माइनस ब्रेक इवन सेल्स रुपीस में क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या था, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो था ना, हाँ सर था, नहीं याद है तो देख लीजिए क्या था, ब्रेक इवन सेल्स अगर रुपीस में कैलकुलेट किए तो क्या था, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो था ना, हाँ सर था। इसीलिए मैं बोलता हूँ बार बार इसको प्रैक्टिस, थोड़ा सा एक दो बार तो प्रैक्टिस करना होगा, आप खुद डेराइव करेंगे, मैं तो ये किया हूँ ना, जैसा जैसा सोच कर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे प्रैक्टिस, तो उसी तरह आप भी सोचते सोचते ये सबको दिमाग में लाएंगे और उसके बाद प्रैक्टिस करते जाएंगे, तब जाकर सॉल्व होगा, समझ में आई। एक बार बच्चे आपने एक बार ये सारा जितना सारा प्रैक्टिस कर लिया ना मार्जिनल कॉस्टिंग की, तो ऐसी की तैसी बच्चे, ऐसी की तैसी, ठीक है ना, हाँ ऐसा जैसे इस हाथ में बिरयानी हो और इस हाथ से आप खा रहे हो, ठीक है ना, हाँ ऐसा, इसको प्रैक्टिस इसको कर लीजिए, देखेंगे पूरा चैप्टर ही ओवर हो जाएगा, खत्म। चलो तो क्या हुआ, यहाँ पर आते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी टोटल सेल्स रुपीज में माइनस ब्रेक इवन सेल्स रुपीज में हुआ तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में भी आएगा। टोटल सेल्स रुपीज में रहा माइनस ब्रेक इवन सेल्स रुपीज में, देखे तो ये था, हाँ सर ये था, तो हम फिर क्या करते हैं, टोटल सेल्स रुपीज में इंटू पी वी रेशियो, क्या होगा बच्चे, इंटू पी वी रेशियो, इसको इस पे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस फिक्स कॉस्ट होल डिवाइडेड बाई क्या होगा बच्चे, पी वी रेशियो, क्या होगा, पी वी रेशियो। बच्चे आप बताइए टोटल सेल्स रुपीज में जो अगर है उससे अगर पी वी रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी से बताओ। देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं लिखा पी वी रेशियो इज इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल कंट्रीब्यूशन बाई टोटल सेल्स रुपीज में, ये भी रुपीज में है, पर यूनिट नहीं, ये भी रुपीज में है, तो क्या होता है, पीवी रेशियो होता है ना, पीवी रेशियो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन बाई सेल्स इंटू 100, यही होता है ना, चलो इंटू 100 होता है परसेंटेज के लिए, चलो वो अलग बात है। मैं अगर पीवी रेशियो को ये टोटल सेल्स रुपीज जो है मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन इन रुपीज, मतलब टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा, क्या आएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन आया कि नहीं आया, हाँ सर आया, बोलो आया या नहीं आया, आया, तो क्या होगा, ये क्या होगा, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं है, टोटल कंट्रीब्यूशन, क्यों ये टोटल सेल्स रुपीज में है ना, टोटल सेल्स ये रुपीज में है, ये टोटल सेल्स रुपीज में है, कंट्रीब्यूशन रुपीज में है, पीवी रेशियो, समझ में आई। सर अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में है तो सेलिंग प्राइस यहाँ भी पर यूनिट में लेना होगा, जी हाँ, तब आएगा पीवी रेशियो, अगर ये पर यूनिट में है तो ये भी पर यूनिट में होना चाहिए, अगर टोटल में है तो ये भी टोटल में होना चाहिए, तो यहाँ पर ये टोटल था, ये टोटल था, समझ में आई बात, ये टोटल में पीवी रेशियो मल्टीप्लाई किए तो क्या आएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा माइनस फिक्स कॉस्ट, ये जो फिक्स कॉस्ट था हमने फिक्स कॉस्ट लिखा तो आया क्या, पीवी रेशियो डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो इज इक्वल क्या होगा बच्चे, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, क्या होता है बोलो, अभी अभी बताया था ना, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट क्या आया, प्रॉफिट आया था, हाँ सर प्रॉफिट आया था, तो इसका भी क्या होगा, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो हो गया, टंटना ये आ गया। चलो बात समझ में आ गई, हमने क्या क्या सीखा बता देता हूँ, हमने सीखा पीवी रेशियो, हमने सीखा ब्रेक इवन सेल्स यूनिट्स में भी सीखा रुपीज में भी सीखा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमने सीखा यूनिट्स में और रुपीज में, हम इतना ही सीखे, लेकिन इतना को सीखने के लिए हमको पूरा एक घंटा लग गया, बात समझ में आई, हाँ सर समझ में आई, आगे चलें, हाँ सर आगे चलो, ठीक है सुनो, इसको समराइज कर लेते हैं, पहले क्या कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं, तो बहुत सारा इसको आप क्या कर, सुनिए समराइज करूंगा क्या, पहले आप इसको क्या करो, दोबारा से पूरा स्टार्टिंग से लेकर जितना सारा चीज़ हम सीखे, जितना सारा चीज़ हम सीखे इतना को सारा प्रैक्टिस अच्छा से करो, दोबारा से दोबारा आप क्या करो,
इसको चेक करो, देखो, रिवाइज करो, इस सारा चीज को आप रिवाइज करो कैसे हुआ है। फिर उसके बाद ये सारा चीज को आप रिवाइज करो, देखो कैसे हुआ है, समझ में आई बात? हाँ, ये सारा चीज को आप रिवाइज करो, देखो कैसे हुआ है, ठीक है? हाँ, स्क्रीनशॉट भी ले लो, हो सके तो स्क्रीनशॉट भी ले लो, समझ में आई ना बात? इस चीज का भी स्क्रीनशॉट ले लो, आपको जो करना है करो, पढ़ाई तो इम्पोर्टेंट पहले है, इस चीज का भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, देखो पूरा फुल पेज आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो लेना है तो, देखे? हाँ देखे। फिर उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट ये आया आपका, ये फिर आया, लो इसको रिवाइज करना अच्छा से, हाँ सर आया। फिर उसके बाद इस चीज को फिर रिवाइज करना अच्छा से, ठीक है ना? हाँ सर, इस चीज को फिर रिवाइज करना, हाँ सर, ये वाला अच्छा से ध्यान से देखना, ये वाला चीज मैंने अच्छा से सिखाया, आपको सीखना होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये वाला मैंने आपको बताया, कौन सा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कहानी मैंने आपको सारा बताया, ठीक है? और ये सिंबल क्यों है पता है आपको? रटना मना है हमारे क्लास में, रटने के लिए आपको ये सिंबल मैं देता हूँ, ठीक है? हाँ, फिर उसके बाद ये वाला, फिर ये भी क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में कैलकुलेट करना हो तो क्या होगा, इतना में हमने खत्म किया। और आपका लगभग मार्जिनल कॉस्टिंग जो है, लगभग मार्जिनल कॉस्टिंग जो है खत्म। अब सवाल प्रैक्टिस करना है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ठीक है।